बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू रिसर्च मीडिया चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्रिटिकल लिटरेचर रिव्यू लिखना सिखाऊंगा। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो पहली बार रिसर्च का प्रोसेस जो है वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं और उन्हें एकेडमिक राइटिंग का आइडिया नहीं है, उन्हें ये आइडिया नहीं है कि लिटरेचर रिव्यू कैसे लिखा जाता है। वैसे तो ये मैं बताता चलूं कि लिटरेचर रिव्यू लिखने के बहुत सारे स्टाइल्स हैं। मुख्तलिफ ऑथर जो हैं वो मुख्तलिफ तरीके जो हैं वो अडॉप्ट करते हैं लिटरेचर लिखने के। इम्पैक्ट फैक्टर, जब आप एक पेपर लिख रहे होते हैं उसमें मेथड अलग होता है, ठीक है जी, और जब आप एक नॉर्मल जर्नल का पेपर लिख रहे होते हैं उसमें मेथड और होता है। बहरहाल, इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कुछ चीज़ें जो कॉमनली हर ऑथर जो है वो फॉलो करता है वो भी आज डिस्कस की जाएंगी, और एक आसान सा मेथड आप लोगों को सिखाया जाएगा, स्पेशली उन लोगों को जो पहली बार रिसर्च राइटिंग कर रहे हैं, एकेडमिक राइटिंग कर रहे हैं, ठीक है, और उन्हें नहीं आइडिया कि लिटरेचर कैसे लिखा जाता है। बहरहाल, ये वीडियो सिर्फ बिगनर्स के लिए है। एडवांस लेवल पर जो है वो लिटरेचर रिव्यू लिखने का तरीका मुख्तलिफ हो सकता है, स्टाइल डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। लिहाजा ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें लिटरेचर रिव्यू लिखना नहीं आता या जो बेसिक लेवल पे लिटरेचर रिव्यू लिखना चाह रहे हैं। सो एज पर माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं आज आपको क्रिटिकल लिटरेचर रिव्यू जो है वो लिखना सिखाऊंगा। इसमें कुछ चीजें क्रिटिकल लिटरेचर रिव्यू लिखने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप जब क्रिटिकल लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं तो आपने पास्ट सेंटेंस जो इस्तेमाल है वो करना है, ठीक है, यानी पास्ट इंडेफिनेट आप इस्तेमाल कर लें, पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल कर लें। बेसिकली लिटरेचर रिव्यू में आपने जो आपकी स्टडी है जो आप कंडक्ट कर रहे हैं उससे रेलिवेंट एग्जिस्टिंग नॉलेज क्या है, यानी उस डोमेन में या उस डिपेंडेंट वेरिएबल से रेलिवेंट जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की आप फाइंडिंग्स कोट करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, वो आप जाहिर है पास्ट टेंस ही आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज ये कि जो आप सेंटेंसेस लिखें वो शॉर्ट होने चाहिए, लेस देन 25 वर्ड्स जो हैं वो आपने यूज करने हैं सेंटेंस लिखते वक्त। इसमें ये चीज मैं बताता चलूं कि अगर आप लॉन्ग सेंटेंस यूज करते हैं तो प्रोफेशनल एकेडमिक राइटिंग में उस चीज को अच्छा नहीं कंसिडर किया जाता। तो बेहतर ये होता है कि अगर आप किसी स्टडी की फाइंडिंग को कोट कर रहे हैं, कोई आर्गुमेंट जो है वो आप डिस्कस कर रहे हैं पास्ट रिसर्च पेपर में से, तो आपका जो सेंटेंस है वो 25 वर्ड से कम होना चाहिए, प्रेफरेबली 15 वर्ड्स या 20 वर्ड्स का आपका सेंटेंस होना चाहिए। सो अगर आपको लगता है कि आप जो आर्गुमेंट डिस्कस कर रहे हैं या जो फाइंडिंग आप डिस्कस कर रहे हैं लिटरेचर के अंदर, अगर उसकी वर्डिंग ज्यादा है तो कोशिश करें कि उसको दो सेंटेंसेस में स्प्लिट कर दें, ठीक है। तीसरी चीज ये है कि प्रेफरेबली आप एक्टिव वॉइस यूज करें, क्योंकि जब आप पैसिव वॉइस इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उस फिक्रे की असर्शन वो नहीं रहती। बेसिकली जो एक सिंपल सेंटेंस होता है जिसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं या पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, वो एक्टिव वॉइस के जरिए इंडिकेट किया जाता है, जिसमें हमें सब्जेक्ट और वर्ब पहले नजर आते हैं और ऑब्जेक्ट बाद में, यानी इसका सीक्वेंस ये होना चाहिए कि आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब, जो कि प्रेफरेबली पास्ट सेंटेंस या पास्ट वर्ब होगा, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, इस पैटर्न को प्रेफरेबली फॉलो करें और इसी को आप क्रिटिकल लिटरेचर रिव्यू में इंडिकेट करें। लेकिन जहां पे जरूरी हो कि आप जो है वो एक्टिव वॉइस किसी वजह से यूज नहीं कर सकते, फिर आप पैसिव वॉइस को इस्तेमाल करें। अच्छा, उसके बाद इंडिकेट पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो फाइंडिंग फ्रॉम पास्ट स्टडी इंक्लूडिंग आर्गुमेंट। आप जब क्रिटिकल लिटरेचर रिव्यू कर रहे होते हैं, क्रिटिकल का मतलब ये होता है कि हर शख्स का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हर शख्स की अपनी फाइंडिंग है। किसी भी स्टडी की जब आप लिटरेचर फाइंडिंग को कोट कर रहे होते हैं तो बास फाइंडिंग जो है
वो पॉजिटिव जो है वो इंडिकेशंस दे रही होती हैं कि फलां वेरिएबल का फलां वेरिएबल के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट है, बास फाइंडिंग जो है वो नेगेटिव इंडिकेशन दे रही होती हैं कि फलां वेरिएबल का फलां वेरिएबल के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट है, और बास स्टडीज आपको बताती हैं कि फलां वेरिएबल का फलां वेरिएबल के ऊपर जो है वो कोई इम्पैक्ट नहीं है, उसको हम जीरो इम्पैक्ट बेस्ड स्टडीज कहते हैं। तो क्रिटिकल लिटरेचर रिव्यू में आपने सबको लिखना होता है लेकिन ग्रुप की फॉर्म में, यानी आपने पॉजिटिव को पॉजिटिव वाली जो स्टडीज है उसका पैराग्राफ अलग बना लें, जो नेगेटिव वाली स्टडीज है उसका पैराग्राफ अलग बना लें, और जिन स्टडीज में आपके टारगेट वेरिएबल का इम्पैक्ट नहीं आ रहा उनका पैराग्राफ अलग बना लें, ताकि आपको एट द एंड जब आप लिटरेचर को आप कंक्लूड कर रहे हो तो एट द एंड आपको कंक्लूजन करने में आसानी हो कि मेजॉरिटी ऑफ स्टडी इंडिकेशंस क्या दे रही हैं। ठीक है, तो जो पांचवी चीज है कंक्लूड विद द मेजॉरिटी ऑफ स्टडीज, यानी आपकी मेजॉरिटी ऑफ स्टडीज पॉजिटिव है, आपकी मेजॉरिटी ऑफ स्टडीज नेगेटिव है, क्या है आपकी मेजॉरिटी ऑफ स्टडीज, उनकी बेस पे आपने हाइपोथेसिस एस्टेब्लिश करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं आप वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है, और इसे प्रैक्टिकली आप जो भी अपनी स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं उस पर अप्लाई करके देखेंगे। इससे पहली वीडियोज में मैंने एंड नोट की लाइब्रेरी क्रिएट करना और रेफरेंसेस ऐड करना सिखाया था, और आज मैं उन्हीं रेफरेंसेस को यूज करते हुए क्रिटिकल लिटरेचर रिव्यू आपको सिखाऊंगा। अब इसमें मैं एग्जाम्पलीफाई कर रहा हूं एक स्टडी को जो मैंने यहां पे बेसिकली सेलेक्ट की है, जस्ट अ मिनट, इसको मैं ओपन करता हूं। बेसिकली जब आप किसी स्टडी को कोट कर रहे होते हैं तो दो ऐसी प्लेसेस होती हैं जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं क्रिटिकल लिटरेचर रिव्यू लिखते वक्त, या तो आप एब्स्ट्रैक्ट को देखेंगे या फिर आप कंक्लूजन को देखेंगे या फिर आप जो है जो इसके एस्टीमेशंस के टेबल्स हैं उन्हें देखेंगे। ठीक है, बाज़ उकात एब्स्ट्रैक्ट में स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बताया होता कि फाइंडिंग क्या है स्टडी की, ठीक है, बाज़ उकात स्ट्रेट फाइंडिंग वो बता देते हैं, तो आपने फाइंडिंग देखनी है एब्स्ट्रैक्ट के अंदर। अब यहां पे मैंने हाईलाइट किया हुआ द ऑथर डॉक्यूमेंट अ पॉजिटिव एंड स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन फर्म एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड सबसिक्वेंट कैश बैलेंस। अब क्योंकि मेरी स्टडी जो है उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल एम्प्लॉय परफॉर्मेंस है और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो बेसिकली कैश बैलेंसेस हैं या कैश होल्डिंग जिसको मैं कहूंगा, ये मेरा इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है, तो मैंने पहले फाइंडिंग को यहां पर ले आना है, ये फाइंडिंग है। अब ये जो फाइंडिंग आई हुई है इसके अगेंस्ट बाजुकात हमें आर्गुमेंट भी मिल जाता है, ठीक है, इस फाइंडिंग के अगेंस्ट उसी ऑथर का आर्गुमेंट हमें मिल जाता है, तो यहां से इसका आर्गुमेंट ले लेंगे। ठीक है, इसने कहा है द फाइंडिंग सपोर्ट द व्यू दैट फर्म सीक्स टू अकोमोडेट द प्रेफरेंस ऑफ बेटर परफॉर्मिंग एम्प्लॉइज, ये आर्गुमेंट है इस फाइंडिंग को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसको यहां से कॉपी कर लेते हैं और यहां पर ये जस्टिफाइड आ गया। अब जब हम इसको लिख रहे होंगे ना तो लिखते वक्त हमारे पास जो मेथड है वो ये है कि हमने इसको रीफ्रेस करना है इस फाइंडिंग को, क्योंकि ये पॉजिटिव फाइंडिंग है, तो मैंने बताया था कि आपने पॉजिटिव वाला पैरा अलग करना है, अगर किसी पेपर में नेगेटिव फाइंडिंग है तो उसका पैराग्राफ अलग कर दें, अगर जीरो वाली फाइंडिंग है तो उसका पैराग्राफ अलग कर दें। तो इसको मैं रीफ्रेस करके लिखने लगा हूं और मैं चाह रहा हूं कि स्टार्ट में ही मैं रेफरेंस कोट कर दूं मुतलका आथर का। सो इस पेपर का जो टाइटल है उसके अकॉर्डिंगली मुझे इसका रेफरेंस जो है वो एंड नोट की लाइब्रेरी में चेक करना चाहिए, दैट इज एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड कॉर्पोरेट कैश होल्डिंग। तो मैं यहां पर आता हूं, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड कॉर्पोरेट कैश होल्डिंग, जी इसमें मैं चेक कर लेता हूं, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड कॉर्पोरेट कैश होल्डिंग, ये जी पेपर मुझे मिल गया, इसका रेफरेंस आ गया, इस रेफरेंस को मैं इंसर्ट कर लूंगा, ये इसका बटन है इंसर्ट साइटेशन के नाम से, इसको आप क्लिक कर दें तो ये रेफरेंस आ गया। ठीक है, और इसको आप एडिट साइटेशन के जरिए डिस्प्ले एज ए ऑथर हियर इस ऑप्शन को आप क्लिक कर दें
ये देखिएगा, ईयर जो है वो ब्रैकेट में चला जाएगा और ऑथर्स जो हैं वो ब्रैकेट से बाहर आ जाएंगे. सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑथर, आगे कॉमा लगा लें. जो इसने फाइंडिंग बताई है उसके मतलब यहां पे आपने थोड़ा सा रीफ्रेज वर्ड्स में लिखना. देयर इज अ पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बिटवीन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, को एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी भी कहते हैं, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी एंड कैश होल्डिंग्स ऑफ फर्म्स. आगे ये बता देना कि ये स्टडी बेसिकली इसकी पॉपुलेशन कहां की थी, टारगेट पॉपुलेशन कहां की थी, तो वो हमें यहां से पता चल जाएगा. बेसिकली इसने डाटा कहां का लिया है जी, यहां पे अगर हम देखें इसने पैनल डाटा लिया हुआ है, बट इट इज नॉट मेंशन्ड कि ये कहां का डाटा है. सो यहां पे भी मेंशन नहीं है, तो इसके लिए मेथोडोलॉजी को एक दफा देख लें. मेथोडोलॉजी में हम सर्च कर लेते हैं कि ये डाटा बेसिकली कहां का है. सैंपल सिलेक्शन एंड डिस्क्रिप्टिव, जनाब इन्होंने डेटाबेस को मेंशन किया हुआ है, ठीक है. और पैनल ए ऑफ टेबल प्रेजेंट द डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉर्म्स ऑफ फिस्कल ईयर. ये यूएस पब्लिक फॉर्म्स हैं बेसिकली यहाँ पे मेंशन है, ठीक है. तो इसको आप लिख दें, लिस्टेड फॉर्म्स इन यूएसए. ये बेसिकली फाइंडिंग कोट हो गई है, ठीक है. अब इस फाइंडिंग के अगेंस्ट जो आर्गुमेंट है इस फाइंडिंग के हवाले से, उसको आप रीफ्रेज करके लिखें, ठीक है. ये क्योंकि नंबर ऑफ ऑथर एट ऑल के साथ आ रहा है, इसका मतलब है मोर देन वन ऑथर्स हैं, तो हम बेसिकली मोर देन टू या मोर देन थ्री हो तो वो एट ऑल का वर्ड साथ में लिखा हुआ आ रहा होता है, ठीक है. तो ऐसी सूरत में हमने उनका आर्गुमेंट लिखना है कि ये जो पॉजिटिव फाइंडिंग आई है इसके हवाले से इन ऑथर्स का आर्गुमेंट क्या है. ये भी क्योंकि उनके पेपर से मिल गया तो यहाँ पे हम दर्ज कर लेते हैं. लेकिन अगर आपको किसी भी फाइंडिंग का आर्गुमेंट ना मिले तो आप खुद से मत लिखें, ठीक है. फिर जस्ट आप फाइंडिंग को कोट कर दें, आर्गुमेंट को आप ब्लैंक रहने दें. इस पेपर के अंदर क्योंकि आर्गुमेंट गिवन था, लिहाजा हमने आर्गुमेंट को अब रिफ्रेस करना है. तो यहां पे लिखेंगे हम, दे आर्ग्यूड दैट फर्म सीक्स टू अकोमोडेट द प्रेफरेंस ऑफ बेटर परफॉर्मिंग एम्प्लॉइज. दे आर्ग्यूड दैट कॉर्पोरेट फर्म्स प्रेफर्स the productive employees, ठीक है, in order to enhance their level of cash. तो ये basically आपने sense understand करना होता है इसको पढ़ के. basically जब हम इसको पढ़ते हैं तो वो argue ये कर रहे हैं कि फर्म सीक्स टू अकोमोडेट प्रेफरेंस ऑफ बेटर परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज, यानी फर्म ऐसे एम्प्लॉयज को प्रेफर करती है जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, देयर बाय रिक्वायरिंग ग्रेटर लेवल ऑफ कैश, ठीक है. और उनकी मदद से जनाब जो लेवल ऑफ कैश है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है. तो ये बेसिकली उनका हमने आर्गुमेंट यहां पे कोट कर दिया. आर्गुमेंट को कोट करने के बाद जब आप दो चार पांच पेपर्स के आर्गुमेंट यहां पे कोट कर लें तो फिर एक जर्नल आप यहां पर आर्गुमेंट देंगे जो कि उस पूरे पैरे को रिप्रेजेंट कर रहा होगा. ये आप स्टार्ट में भी दे सकते हैं, ये एंड पे भी दे सकते हैं कंक्लूसिव आर्गुमेंट के तौर पर. तो जब आप आर्गुमेंट प्लेस कर लें उसके बाद बेशक आप इन्हें हटा दें, ठीक है. ये जो ऊपर मैंने हेल्प के लिए लिखे हुए हैं और इन्हें मर्ज कर दें. ये देखिए मैंने बहुत सारी जो स्टडीज हैं वो पहले से कंडक्ट की हुई हैं, तो उसमें मैंने सारी चीजें मिक्स की हुई, तो ये इस तरह से ना पैराग्राफ बन जाएगा. अब ये पूरे का पूरा पैराग्राफ
पॉजिटिव बेसिकली जो है वो इंडिकेशंस दे रहा है, मतलब इसमें मैंने मुख्तलिफ स्टडीज जो हैं उनको यहाँ पे कोट किया हुआ कि किस स्टडी के हिसाब से क्या फाइंडिंग है और उस पर क्या आर्गुमेंट है। जैसे ये एक स्टडी है, ठीक है, इसमें मैंने एक फाइंडिंग बताई हुई है और फाइंडिंग के बाद ये आर्गुमेंट बताया हुआ, ठीक है। इसी तरह ये एक स्टडी है जिसमें आपको फाइंडिंग बताई हुई है और फाइंडिंग के बाद उसकी फाइंडिंग का आर्गुमेंट बताया हुआ है। तो कोशिश करें अगर फाइंडिंग के साथ साथ आर्गुमेंट भी मिल जाता है कि ये स्टडी ऐसी क्यों है, तो वेल एंड गुड। अब हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास नेगेटिव जो है वो फाइंडिंग्स नहीं आई, हम फर्ज कर लेते हैं, लेकिन अगर आ जाए तो आप उनको भी मेंशन करें, ठीक है, उनके भी पैराग्राफ अलग अलग से बना लें। अब हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारी यही फाइंडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने इसकी बेस पे हाइपोथेसिस जनरेट करना है, जिसके लिए इंसर्ट पे जाएंगे, ठीक है, और इधर से इक्वेशन पे जाएंगे, ठीक है, और यहां से स्क्रिप्ट पे जाकर, ठीक है, सेकंड ऑप्शन को चूज करें और इधर लेट्स सपोज ये फर्स्ट मेरा हाइपोथेसिस है तो इसको मैं यहां पर सिलेक्ट करता हूं, ठीक है। तो मेरी क्योंकि स्टडीज ये बता रही हैं कि जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस या उसकी प्रोडक्टिविटी है उसका कैश होल्डिंग के साथ पॉजिटिव लिंक है, ठीक है, तो मैं यहां पर हाइपोथेसिस जनरेट कर लूंगा एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी सिग्निफिकेंटली इंक्रीजेस कैश होल्डिंग्स फॉर। अब मैंने देख लेना कि मेरी अपनी टारगेट पॉपुलेशन क्या है, तो मेरी टारगेट पॉपुलेशन है लिस्टेड कंपनीज इन पाकिस्तान, तो मैं यहां पे मेंशन कर दूंगा। यहां पे एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी सिग्निफिकेंटली इंक्रीजेस कैश होल्डिंग्स फॉर पब्लिक फर्म्स इन पाकिस्तान, ये मेरा हाइपोथेसिस जनरेट हो गया, ठीक है। इसी तरह आप बाकी पैराग्राफ को भी चेक कर लें, फॉर एग्जांपल ये मेरा सेकंड वाला था तो इसमें भी मैंने एक जर्नल यहां पे पहले आर्गुमेंट दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद मैंने फाइंडिंग कोट की हुई है, ठीक है। इस फाइंडिंग के अगेंस्ट मुझे आर्गुमेंट नहीं मिला था तो मैंने आर्गुमेंट नहीं बताया, मैंने फिर नेक्स्ट जो है ये देखें, ये इसके बाद आर्गुमेंट सॉरी है, आर्गुमेंट यहां पे मैंने बताया कि इस फाइंडिंग के अगेंस्ट आर्गुमेंट क्या है, ठीक है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट पेपर की फाइंडिंग कोट की, ठीक है, कोट करके उसके बाद मुझे उसका आर्गुमेंट नहीं मिला, लेकिन उसके बाद वाली मैंने स्टडी की फाइंडिंग कोट की, ठीक है, फिर उन तमाम स्टडी से मिलती जुलती जो फाइंडिंग्स थी वो डिस्कस की। ये सारी की सारी जो है ये बेसिकली पॉजिटिव एसोसिएशन को शो कर रही है। जैसे मैंने बताया कि आपको पॉजिटिव मिले तो पॉजिटिव लिखें, नेगेटिव मिले तो नेगेटिव लिखें और उसके बाद हाइपोथेसिस जनरेट कर दें। तो यहां पर मैं सेकेंड हाइपोथेसिस जनरेट करूंगा बेस्ड ऑन माई पॉजिटिव फाइंडिंग्स, ठीक है। तो यहां से लेट सपोज मैं इसी को कॉपी करता हूं, ठीक है, और मैं इधर ले आता हूं, इसको मैं कर देता हूं सेकंड हाइपोथेसिस, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी को कर लेता हूं मैं, ये जो मेरी सेकंड हेडिंग है दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी, तो इसको मैं कर देता हूं ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी, ये मेरा सेकंड हाइपोथेसिस बन गया, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप बेसिकली क्रिटिकल लिटरेचर रिव्यू करते हैं और आप हाइपोथेसिस जनरेट करते जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है। अब जैसे एक ये है, यहाँ पे हमें पॉजिटिव भी मिल रहे हैं और नेगेटिव भी मिल रहे हैं, ये इम्पैक्ट ऑफ ऑनरशिप है ऑन कैश होल्डिंग, ठीक है। अब इसमें पॉजिटिव वाला अगर मैं देखूं तो मुझे एक ऐसी स्टडी मिली है जो पॉजिटिव इंडिकेशन दे रही है, ठीक है, लाइक यहाँ पे उसने कहा है कि जो ऑनरशिप टाइप है उसका इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, स्ट्रॉन्गली इनहेंसेस द कैश होल्डिंग ऑफ फर्म्स इन चाइना कॉर्पोरेट सेक्टर, ठीक है। लेकिन बहुत सारी स्टडीज ऐसी हैं, जैसे कि ये एक स्टडी है, ये नेगेटिव इम्पैक्ट दे रही है, ठीक है,
अगर नेगेटिव वाली ज्यादा हो जाए तो आपने हाइपोथेसिस नेगेटिव के अकॉर्डिंगली बनाना है, फिर आपने इन दोनों पैराग्राफ को इकट्ठा कर देना। लेकिन इकट्ठे से मुराद ये कि इनमें एक लाइन का गैप रहना चाहिए कि ये पता चल रहा हो कि आपकी जो मेन हेडिंग है ठीक है उसके अंडर पॉजिटिव वाली स्टडीज इतनी है और नेगेटिव वाली कितनी है। हाँ, ये जो दूसरी हेडिंग्स बनाई हुई है जैसे कि ये जस्टिफिकेशन और ये हटा दीजिएगा। ये तब तक रहनी चाहिए जब तक आप लिख रहे हैं, जब आपकी क्रिटिकल लिटरेचर रिव्यू कंप्लीट हो जाए उसके बाद ये दो हेडिंग्स और एक ये वाली हेडिंग्स आप हटा दें, ठीक है, इधर से ये भी हटा दें। उसके बाद आप चेक कर लें कि आपके नेगेटिव वाली फाइंडिंग ज्यादा है या आपकी पॉजिटिव वाली फाइंडिंग ज्यादा है। जो फाइंडिंग आपकी ज्यादा होगी उसकी बेस पर आप हाइपोथेसिस डेवलप कर लें, ठीक है। हाइपोथेसिस डेवलप करके फर्ज करें कि यहां पे नेगेटिव वाली ज्यादा है, लेट सपोज, ठीक है, तो मैं यहां पे थर्ड हाइपोथेसिस जनरेट कर लूंगा और लिखूंगा कि ओनरशिप टाइप सिग्निफिकेंटली डिक्रीजेस, ठीक है, मैं ये लिख दूंगा कैश होल्डिंग फॉर पब्लिक फर्म्स इन पाकिस्तान। लेकिन अगर पॉजिटिव वाली ज्यादा हुई तो लिखूंगा मैं इधर ही, लेकिन मैं यहां पे इंक्रीजेस का वर्ड लिख दूंगा, ठीक है। तो बस ये आपने ध्यान रखना है कि जब आप क्रिटिकल लिटरेचर रिव्यू कर रहे होते हैं ना, तो आपने बेसिकली ये तीन आपने बनाने हैं किसी भी हेडिंग के अंडर। लाइक यहां पे मैं ये देखें जी, ये लेट्स सपोज एक हेडिंग है जिसपे अभी मैंने वर्किंग नहीं की, अभी मैंने इसका क्रिटिकल लिटरेचर रिव्यू करना है। तो जो पॉजिटिव वाली फाइंडिंग्स होंगी वो मैं अलग लिखूंगा, जो नेगेटिव वाली फाइंडिंग होंगी वो अलग लिखूंगा, जिनमें वो कहेगा कि सिग्निफिकेंट नहीं आ रही वो अलग लिखूंगा। तो बेसिकली आखिर में मैं यहां पर आकर हाइपोथेसिस क्रिएट कर दूंगा कि मेरा हाइपोथेसिस पॉजिटिव बनता है या नेगेटिव बनता है। मींस अगर पॉजिटिव वाली फाइंडिंग ज्यादा आई, ठीक है, नेगेटिव वाली फाइंडिंग कम हुई, तो मेरा एंड पे हाइपोथेसिस पॉजिटिव में बनेगा। अगर मेरी नेगेटिव वाली फाइंडिंग ज्यादा होंगी तो मैं हाइपोथेसिस नेगेटिव में बनाऊंगा। आखिर में मैं ये बताता चलूं कि आपने कोशिश ये करनी है कि सबसे पहले आपने फाइंडिंग लिखनी होती है, मतलब जिस भी पेपर को आप जो है वो सिलेक्ट करें उसके एब्स्ट्रैक्ट में से आप फाइंडिंग को पहले लिखें, ठीक है। फाइंडिंग को लिखने के बाद उस ऑथर ने उस पॉजिटिव या नेगेटिव फाइंडिंग का जो आर्गुमेंट दिया हुआ है उसको यहां पे दर्ज कर लें, ठीक है। मतलब आपने उसको रीफ्रेज करके लिखना है, बेसिकली एज इट इज नहीं लिख देना, ठीक है। और जो है रेफरेंसिंग के लिए आप एंड नोट इस्तेमाल करें, उसके लिए ये बटन मौजूद है, इसको यूज करें। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता चलूं, अभी मैंने आपको लाइन के स्टार्ट में रेफरेंस पुट करना सिखाया है, आप रेफरेंस को लाइन के एंड पे भी पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि एक स्टडी है, उसके मुतल्लिक आप रेफरेंस कोट करना चाह रहे हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक रेफरेंस आपकी जो है वो इंडिकेशन के लिए यहाँ पे पुट करता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अ स्टडी फाउंड पॉजिटिव लिंक बिटवीन डिविडेंड पॉलिसी एंड कैश होल्डिंग इन अमेरिका, ठीक है। फर्ज करें ये मैंने एक फाइंडिंग कोट करनी है और लाइन के एंड पे करना चाह रहा हूं। जब आप लाइन के एंड पे कर रहे हैं ना, तो आप ने जस्ट फुल स्टॉप लगा देना है रेफरेंस कोट करने के बाद, आपको इसको एडिट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर लाइन के स्टार्ट में आप रेफरेंस कोट कर रहे हैं तो फिर आपने इसको जरूर एडिट करना है, ठीक है। फिर जैसे मैंने अभी वीडियो के स्टार्ट में बताया उस तरीके से एडिट करना है, और ये करने के बाद आपने उसकी जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करनी है, और जस्टिफिकेशन के लिए इसको पढ़ लेना है कि उसने क्या जस्टिफिकेशन प्रोवाइड की है, लाइक वो क्या आर्गुमेंट प्रोवाइड कर रहा है इस पॉजिटिव या नेगेटिव रिलेशनशिप का। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो की समझ आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा जो अभी बेसिक लेवल पर क्रिटिकल लिटरेचर रिव्यू सीखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उनसे जरूर ये शेयर कीजिएगा। जज़ाकअल्लाह जी।